नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं, मैं हूं जय शुक्ला। देखिए, बिहार की पुलिस एक बार फिर से पिट गई है और इस बार पुलिस को महिलाओं ने कॉलर पकड़ पकड़ के मारा है। दरअसल बड़ी खबर और बड़ी तस्वीर निकलकर सामने आई है बिहार के समस्तीपुर जिले से, और समस्तीपुर जिले में पुलिस की दम भर कुटाई हुई है और महिलाओं ने कॉलर पकड़ के खूब धोया है। आपको पता है कि बिहार में शराबबंदी कानून लागू है। ये शराबबंदी कानून जो लागू है, इसी के तहत पुलिस बार बार छापेमारी करने पहुंचती है, शराब की सूचना पर या शराब तस्करी की सूचना पर पुलिस कार्रवाई करती है, और ऐसी ही कार्रवाई करने समस्तीपुर में पुलिस की टीम जाती है, जिस पर महिलाएं टूट पड़ती हैं, साथ में पुरुष भी होते हैं, लेकिन महिलाओं का गुस्सा इतना फूट पड़ता है कि पुलिस के कॉलर को पकड़ती है और पकड़ पकड़ के थप्पड़ से मारती है। अब मामला हम आपको समझाते हैं। मामला दरअसल शराब से जुड़ा हुआ है और शराब की सूचना पर ही पुलिस एक शख्स को गिरफ्तार करने पहुंची थी। पुलिस ने इस शख्स को अपने कब्जे में ले भी लिया था, लेकिन तभी कुछ लोगों ने हमला बोल दिया और इन लोगों में महिलाएं और बच्चे भी शामिल थे। इन लोगों ने न सिर्फ आरोपी को पुलिस के चुंगल से छुड़ाया बल्कि पुलिस की दम भर कुटाई भी कर दी। कहा जा रहा है कि पुलिस ने भी एक थप्पड़ चलाया और उस थप्पड़ के जवाब में महिलाएं पुलिस पर लगी थप्पड़ पर थप्पड़ बरसाने। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, देखिए उसी दौरान की तस्वीरें हैं। समस्तीपुर की यह खबर है जहां पर पुलिस की पिटाई एक बार खूब हुई है। जिले के शिवाजी नगर प्रखंड के घिवाही गांव की यह घटना है जहां शराब मामले के आरोपी को पुलिस गिरफ्तार करने पहुंची थी और यहां कुछ महिलाओं और पुरुषों ने हमला कर दिया। इसके साथ ही शराब मामले में गिरफ्तार आरोपी को पुलिस के कब्जे से भी छुड़ाया। इसका देखिए वीडियो भी वायरल हो रहा है। हालांकि इसमें दिख रहा है कि एक पुलिसकर्मी और महिला एक दूसरे को पकड़े हुए हैं और एक महिला पुलिस वाले पर जमकर थप्पड़ चलाती है। पुलिस वाला भी उसे थप्पड़ मारता है, लेकिन उसके बाद पुलिस वाले की स्थिति और खराब हो जाती है। बाद में कुछ बच्चे भी पुलिस पर हाथ चलाने लगते हैं और गाड़ी को भी क्षतिग्रस्त कर दिया जाता है। शिवाजी नगर ओपी में एसआई के आवेदन पर एक दर्जन नामजदों पर प्राथमिकी दर्ज की गई है। आवेदन में एसआई विनोद कुमार ने कहा है कि गश्ती पर वो पुलिस बल के साथ निकले हुए थे और उसी दौरान सूचना मिली शराब मामले का। आरोपी घिवाही गांव का मोती प्रसाद सिंह अपने घर में है। पुलिस बल के साथ वहां छापेमारी करने पहुंचे और देखते ही व्यक्ति वहां से भागने लगा, खदेड़ कर पकड़ा और पूछताछ में उसने अपना नाम मोती प्रसाद सिंह बताया। उसे वाहन पर बैठा ही रहे थे कि 20 से अधिक महिलाओं और पुरुषों ने पुलिस पर हमला कर दिया। अब देखिए, पुलिस ने आरोप लगाया है कि हाथ में लाठी डंडा और रोड के साथ पत्थर भी थे। उन्होंने पुलिस की गाड़ी में भी तोड़फोड़ की और इसी क्रम में आरोपी को भी वहां से छुड़ा कर लेते चले गए। अब देखिए, इस पे मोती प्रसाद सिंह की पत्नी रेणु देवी ने एसआई विनोद कुमार के गले से सोने की दो भर की सिकड़ी भी निकाल ली, ये भी आरोप लगाया गया है। अगल बगल के लोगों ने पूछताछ में हमलावरों का नाम भी बताया। कांड में मोती प्रसाद सिंह, हीरालाल सिंह, कमल किशोर सिंह, पूजा देवी, आशा देवी, थानमुनि देवी, जीवछी देवी, शिवशंकर सिंह, रोशन कुमार, हेमा देवी, रेणु देवी, अमर कुमार, सीता देवी को नामजद किया गया है। पुलिस पर हमला और सरकारी काम में बाधा डालने का इन पर आरोप लगाया गया है। लेकिन सबसे बड़ी तस्वीर, बिहार में पुलिस एक बार फिर से पिटी है। बिहार में पुलिस की पिटाई का ये मामला नया नहीं है। पुलिस बार बार शराब की खेप को पकड़ने जाती है, शराब तस्कर को पकड़ने जाती है। शराब की तस्करी पर नकेल लगाने के लिए यदि कोई कार्रवाई करती है तो बिहार के तमाम जिलों से कई गांवों की हमने आपको तस्वीर दिखाई है इससे पहले भी कि पुलिस पर किस प्रकार लोग हमला करते रहे हैं। देखिए, शराब की तस्करी और शराब का धंधा लोगों को इतना भा रहा है, इतना रास आ रहा है कि पुलिस की कार्रवाई में भी बाधा डाल दे रहे हैं और पुलिस पर हमला कर दे रहे हैं। पुलिस हालांकि गई तो थी युवक को पकड़ने के लिए, उस शख्स को पकड़ने के लिए जो कि इस मामले में लिप्त था, लेकिन महिलाओं ने इस दौरान हमला किया। अब पुलिस ज्यादा हाथ नहीं भी चला सकती थी क्योंकि पुलिस ने एक दो थप्पड़ जरूर चलाया। उसके बाद महिलाओं का गुस्सा देख पुलिस को सहमना पड़ा, पुलिस को पीछे हटना पड़ा। पुरुष भी उनके साथ थे और गाड़ियों के शीशे भी तोड़े गए, गाड़ियों को भी क्षतिग्रस्त किया गया। तो बड़ी तस्वीर और बड़ी घटना बिहार के समस्तीपुर जिले में निकलकर सामने आई। बने रहे लाइव सिटीज के साथ। यदि अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हम आपको खबरों से अपडेट रख सके। धन्यवाद।